आई सर होप मेरे एक बार हस्बैंड का मार्स केतु है 11th हाउस का, बहुत बार डाउनफॉल हो चुका है, बहुत बार उथल पुथल हो चुका है। 8th हाउस का लॉर्ड इज इन द लगन वीनस हाँ विद जुपिटर। उसका काम वीनस जुपिटर केमिकल बनाते हैं। कौन सा राशि ओके है? अच्छा लिब्रा तो शुक्र का अपने। केमिकल है वीनस अच्छा जुपिटर लिब्रा, मत मीन्स इट्स अ वेरी एक्सट्रीमली रिफाइंड। आपके हस्बैंड करते क्या है? पेट्रोल केमिकल में है क्या? हाँ नहीं, चप्पल फुटवेयर के सीईओ रबड़ हैं मैम, अपनी। रबर, हाँ रबड़ बना रहे हैं केमिकल। पेट्रोकेमिक मैम। कैसे बनता है रबड़ कैसा? देखो अभी सिंगल दो से परीक्षण आपको करके दे रहा हूँ कि पेट्रोकेमिकल, उससे बना लो ना हाँ चप्पल। देखो कहाँ पे शनि देख रहा है उस कॉम्बिनेशन को, तभी चप्पल बनेगा शनि 7th हाउस से देख रहा ना। अभी अभी तुमको है। इतना तो अच्छा हैबिट बनना ठीक चाहिए ना। देखो है, ओके। शुक्र वीनस जुपिटर क्या बनाता हाँ है केमिकल, वीनस मैंने जुपिटर, पूछा कौन हाँ से साइन में, आप बोला सेवन में, लिब्रा, मैंने बोला पेट्रोकेमिकल। हाँ ठीक है, हाँ अब पेट्रोकेमिकल से क्या बनेगा? सामने बैठा हुआ शनि जिसको देखेगा तभी तो चप्पल बनेगा ना मैम, तो बिना उसके चप्पल नहीं बन सकता ना, रबड़ नहीं बन सकता। और ये फैक्ट्री उनके फादर ने लगाई थी, सेपरेशन में चली गई, उस फैक्ट्री में अब वो काम कर रहे हैं सीईओ बन के। अच्छा ठीक है, और मार्स एंड केतु 11th हाउस में बैठे हैं, 5th हाउस मतलब 5 का साइन में। तो आपको पता ना कि एसिड बहुत बनेगा बॉडी के अंदर, किडनी का प्रॉब्लम आएगा, तो क्या रेमेडी करवाएंगे? अच्छा ब्लैंक नहीं समझ आ रहा, आई एम ब्लैंक। नहीं, ऐसे नहीं चल सकता मानसी, अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं चल सकता कि यू कैन नॉट से कि मैं, इतना पढ़ाने के बाद ना तुम ये नहीं कह सकते आई एम ब्लैंक। तुमको रेमेडी ढूंढना पड़ेगा, तुम रेमेडी ढूंढो, क्या रेमेडी है? प्रभात डोनेशन क्यों करवा रहे हो तुम लगन के अंदर बैठे हुए ग्रहों का? मेरे को फिजिकल बॉडी का कॉम्पोजिशन समझ में आ गया वो देख के, आप मेरे को ये बता दो कि उस कॉम्पोजिशन को कैसे कंट्रोल केमिकल करना ज्यादा बन रहा है, है। हाँ दही केमिकल ज्यादा बन रहा है, सो दही नहीं खिला वीनस सकते मैडम, का कर नहीं खिला सकते। हाँ मून 3rd हाउस का गणाती कारक है, सन मर्क्यूरी 12th हाउस में बैठा है। मैम रेमेडी चाहिए मेरे को तो। कई चीज़ और सुना, आप बोलते रहो मेरे को सुनना ही नहीं, मेरे को तो कॉम्बिनेशन सुन के रेमेडी पता है, आप रेमेडी बता दो मेरे को। इसलिए मैं बोल दूँ ना, दुनिया को लगता है कि सर आप देखते नहीं ना चार ढंग से, मैं देख लेता हूँ वो क्या करूँ, मेरा ब्रेन का स्पीड ऐसा है। तो आपके सामने तो ब्लैंक हो रहे हैं अभी, समझ अच्छा नहीं आ रहा। अच्छा वीनस जुपिटर लिब्रा के कॉम्बिनेशन है, बॉडी के अंदर किस चीज़ का डेफिशिएंसी आएगा? आरबीसीज, पोटेशियम, ब्लड पोटेशियम काउंट्स का क्यों सर? कॉम्बिनेशन है मैम। आप पोटेशियम के, कौन बनाता है पोटेशियम बॉडी के अंदर? लीवर जाएगा इस बॉडी के अंदर, टेंशन के मारे लीवर जा रहा होगा, पोटेशियम से लीवर प्रोटेक्ट होता ओके है। किडनी का हाँ हैबिट है कि किडनी इज लीवर, किडनी जो कि शुक्र है वो पोटेशियम या फिर कोई भी ऐसी चीज स्टोर नहीं करते हैं, वो निकाल देते हैं चाहे बॉडी में उसकी कमी हो रही हो। ओके ठीक है, तो आप मेरे को बताओ जब आप पोटेशियम खिलाओगे या फिर कद्दू खिलाओगे, ब्लैंड फूड खिलाओगे, लिट्टी चोखा खिलाओगे, ब्लैंड फूड है ना वो बेसिकली, आप बिहार का खाना खिला लो तो उनको आराम रहेगा। आप देखना कि आपके हस्बैंड को जो नुकसान हुआ होगा ना वो बिहार के डायरेक्शन से सबसे ज्यादा हुआ होगा, अगर वो बिहार के या फिर उस डायरेक्शन हाँ में। हाँ एकदम जोगबनी के पास से एकदम ठीक है, बैंग ऑन। फैक्ट्रीज जो उधर है विराटनगर में, नेपाल में। हाँ अब मेरे को ये बताओ, ये तो बहुत सिंपल सा प्रेडिक्शन है ना, तुमसे क्यों नहीं हुआ? मेरे को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा सर इतना। मैंने सेकंड कोर्स भी खाली 3 प्लैनेट्स पढ़े हैं अभी तक, 4 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी तक पढ़ा है ये सारा आपका, कोर्स प्रेडिक्टिव में, टू। ये सब कुछ कोर्स में सिखाया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है जो कोर्स में नहीं सिखाया। ठीक है, परेशानी क्या है कि आप ना उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मानसी फोकस ऑन आइसोलेशन, तुम अगर आइसोलेट नहीं होगे ना, तुम खाली बैठे क्या सोचते हो? मतलब जब तुम्हारे पास फोन ना हो, खाली बैठे मतलब ये नहीं कि तुम फोन स्क्रॉल कर रहे होगे, तो मेरा ना फोटोग्राफ लो और फोन के वॉलपेपर पे लगा लो कि तुमको ये याद रहे कि फोन नहीं देखना है। ठीक है, और सिर्फ आसमान को देखिए और सोचिए कि जुपिटर कौन से साइन में कौन सा केमिकल बनाएगा।
और कौन से डायरेक्शन में लेके जाएगा। जब आप ये करने चालू कर देंगे तो आपका कॉम्पिटिशन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पर क्या कीजिए कि आपने लगातार येलो पंपकिन होता है ना, जो बिल्कुल पीले वाला हाँ कद्दू, जिसका हाँ कोई टेस्ट नहीं होता, ओके, हर शाम को उसका सूप बना के पिलाइए। हेल्थ भी अच्छा, हाँ पैसा भी अच्छा, लाइफ भी अच्छी। अच्छा ओके वाओ ठीक है सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ जी उनका 12 का बुध है, हमेशा कंफ्यूज माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। अच्छा मेरे को बुध के लिए और जनरल क्वेश्चन भी पूछना है। बुध एक ऐसा प्लैनेट है कि अगर जुपिटर भी हो लग्न में, जैसे उनका है फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, बट अगर बुध कमजोर हो तो भी बहुत परेशानियां देता है लाइफ में बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन इट क्रिएट्स। एंड मैंने एक जगह ये भी देखा है कि बुध अगर स्ट्रांग हो और जुपिटर वीक हो तो भी गाड़ी थोड़ी सी चल जाती है, प्रॉब्लम्स आती है पर वो दिमाग चला के गाड़ी चलती रहती है। तो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मर्क्यूरी इन योर लाइफ, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट लग रहा है मुझे कि लोगों से रिलेशन रखना बुध है, अच्छे रिलेशंस रखना अच्छा बुध है, लोगों को अपनी बात समझा पाना, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना बुध है। आप कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं ये बात को, लीगल तरीके से कर पाते हैं, भाषा के मर्यादा रखते हुए कर पाते हैं, ये बुध है। बृहस्पति का काम है कि जो कि आत्मा का ज्ञान है, अपने आप को जान पाना बृहस्पति है। तो जब बुध खराब हो, तो बुध खराब होते होता है क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन का कमी है, यही तो परेशानी है। अच्छा, ओके फिजिकल लेवल पे क्या होता है बृहस्पति बुध और शनि और शुक्र जितने राहु के, तो फिजिकल लेवल पे तो कुछ होता है ना ये, तो हाँ तुलसी का पत्ता खिलवाया जाता है श्यामा तुलसी का, हाँ जब वो शनि के साथ हो, स्लो हो, ब्रेन अगर स्लो हो तो श्यामा तुलसी मतलब ब्लैक कलर का तुलसी आता है। एक राम तुलसी आती है कि जब बुध सूर्य के साथ हो या फिर डेप्यूटेड हो जाए या फिर जुपिटर के साथ चले, बेसिकली राम इज जुपिटर, राम विग्रह वार धर्म, हाँ राम तुलसी, तो हाँ जुपिटर के साइन में हो, डेप्यूटेड हो, तो राम तुलसी के बीज, तुलसी का अर्क या तुलसी के पत्ते। क्या करता है तुलसी बॉडी के अंदर कि ऑक्सीजन का सडनली फ्लो बढ़ा देता है। ओके जब हवा जरूरत से ज्यादा जाती है शरीर मतलब बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो सडनली आपको चेतना आती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो चेतना है ना, कि आपको हवा आ रही है बॉडी के अंदर, आपके शरीर में कितने प्राण हैं, यही तो चेतना है। जब बॉडी की चेतना बढ़ती है तो आप सडनली एक्टिव होते हैं और बोलते हैं अच्छा चलो ये काम करते हैं, क्योंकि बुध 12 में हो, बुध डेबिलेटेड हो, बुध अफेक्टेड हो या बुध केतु हो, तो इंसान का दिल नहीं करता किसी को फोन करने का, बात करने का, कम्युनिकेशंस करने का, और बोलता है कर लेंगे, छोड़ दो छोड़ दो, हाँ उसका करेक्ट उसका काम है छोड़ दो। बेसिकली वो क्या रहा है, छोड़ दो। रीजन मेन क्योंकि बुध तो 12 में आइसोलेशन में है, जिसका एंड काम लैंग्वेज भी टास्क, ठीक नहीं यूज कर पाता जिसका वो, भाषा भी ठीक से। टास्क ये हो कि जिसका टास्क ये हो कि कम्युनिकेशन करना है, वो कह रहा है कि बात नहीं करनी, तो इंसान कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति बोलता है व्हाट्सएप पे बात कर लो, मतलब मेरे को कई बार हैरानी होती है कि लोग डायरेक्टली फोन करते हैं मेरे को, बता बहुत बढ़िया, जानता नहीं है बच्चे तू मेरे को अभी, कि मैं फोन करने से पहले पूछ ले कि मैं उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा, तो शायद मैं उठा लूं। डायरेक्टली तो मैं कभी किसी का फोन अनटिल अनलेस बहुत क्लोज हो कोई नहीं उठाता, एक या दो फोन के अलावा, क्योंकि बुध 12 में ऐसे ही काम करता है ना, दिल ही नहीं है बात करने का हमारा किसी के साथ, हमारी अपनी दुनिया है। और बुध 6 के अंदर जो उसका नेचुरल एग्जॉल्टेड घर है, वो बोलता है कि अच्छा सारी चीजें मेरी कंट्रोल में रहनी चाहिए। बुध 12 अनकंट्रोल्ड है, गियर ब्रेक नहीं है उसके अंदर। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपनी भाषा की मर्यादा रखिए, बुध अपने आप अच्छा हो जाएगा। आप पढ़िए ना मिर्ज़ा गालिब को, आप पढ़िए ना जावेद अख्तर की बुक है जादूनामा, बहुत ब्रिलियंट बुक है, मतलब उनकी जर्नी है जादूनामा। आप पढ़िए ना ऐसे राइटर्स को, आप पढ़िए क्या बोलते हैं और कौन से अच्छे राइटर्स हैं, जो साहिर लुधियानवी को आप पढ़िए, नज्म पढ़िए, आपका मरकरी वैसे ही अच्छा ना, मतलब एक बुक है द शॉर्ट स्टोरीज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, मरकरी उनको पढ़ने से अच्छा हो जाता है। मतलब कई लोग होते हैं ना, वो एक मेरे एक स्टूडेंट है, वो मेरे को मिलने आता है, तो सर टाइम नहीं लूंगा चिंता मत करो, बस
बैठूंगा 5 मिनट, आप हाथ लगा देना सर पे, चला जाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों आ रहा है वैसे पागल है? कह रहा नहीं, आपसे मिलके जाता हूँ मेरा काम हो जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरे छूने से उसका काम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी भावना के वजह से उसका काम होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो बुक है ना, शॉर्ट स्टोरीज, मतलब उनसे ज्यादा अच्छा मजगरी किसी का हो सकता है क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर से ज्यादा अच्छा, कि उनकी बुक में ना वो कहानी है, मतलब हाँ कहानी बता देंगे कि वो एक नदी का किनारा है, एक पेड़ है, नाव का कलर है, वो एक लाइन में डिस्क्राइब करें, आपके ब्रेन ने पूरी पिक्चर बना दी उन्होंने। क्या डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं वो। तो ओके, उस टाइप की कहानियां। आप जब बुध को ठीक करना है, आप ऐसे व्यक्ति को बोलिए जिसका बुध बहुत अच्छा है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए जिनका बुध बहुत अच्छा है, और आपका बुध और इवेंचुअली एंड ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि आप एक्टिव स्टेट में आ गए। सर, बुध कैसे अच्छा, कहाँ पे अच्छा होता है? क्योंकि जो क्लास पढ़ी उसमें हर घर में बहुत मेजर प्रॉब्लम देखा बुध का, एंड बुध बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स देता है। फोर्थ हाउस में भी फोर्थ हाउस में भी आपने क्या क्या बता दिया। मैंने कहा सब जगह ही गड़बड़ है, तो कहाँ पे ठीक बैठ रहा है अच्छा, समझ नहीं तो आया। मरकरी कौन से घर को रूल करता है, कौन से दो घरों को रूल करता? 3 में तो अच्छा है ही नहीं, 3 और 6। आपके सामने है तीन वो भाग्य के घर को तो रूल नहीं कर रहा ना, वो केंद्र का तो मालिक नहीं है, वो तो त्रिशड़ा अच्छा, है, 3 और 6। आई ठीक सी, समझ गए। ठीक है, एक तिर एक है, हाँ छत्रिक घर है, छठा घर, और दूसरा मैं अभागी का घर है, इन्हीं दो घरों को रूल कर रहे हैं ना। हाँ तो बुध को ठीक करने के लिए अपना स्किल सेट अच्छा करिए, भाग्य की अच्छा, बजाय वो मरकरी उसी वजह से ठीक हो जाता है। मेरे लिए हर चीज इन द एंड आके प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए प्रेडिक्शन के अंदर, और कंक्रीट प्रेडिक्शंस के अंदर वो दिखना चाहिए, तभी तो लोग आते हैं ना इतनी दूर से। अगर वो नहीं हो रहा है ना, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके साथ अच्छा होगा, आपके साथ बुरा होगा, आपके ऊपर तंत्र किया गया है, मतलब कुछ भी ना मिले तो आप किसी को भी बोलता आपके ऊपर तंत्र किया गया है, इट्स बोगस। मतलब मेरे को किसी ने बोला कि आपके ऊपर तंत्र किया गया है, मैंने कहा मैं भूत हूं, भूत के ऊपर कहाँ तंत्र होते हैं, तुम कुछ ढंग की बात बताया करो और पढ़ा करो यार, एटलीस्ट किसी को ये बोलने से पहले कि तुम्हारे ऊपर तंत्र किया गया है। कुछ नहीं होता तंत्र अंतर, हमसे बड़ा भूत होता है क्या? हमसे हमसे ज्यादा कोई राक्षस हो सकता है क्या हमारे अंदर से, कि तुमको कोई आके परेशान कर सकता है? नहीं होता। जब तक तुम अंदर से स्ट्रांग हो, तुम्हारे अंदर का मतलब, एक बहुत अच्छा श्लोक है मिकल अष्टावक्र गीता का, कि आपके आसपास आपके अपने पाप ही आपको डराते हैं, और आपके आसपास जो कुछ भी है वो आपके ही पाप और पुण्य का नतीजा फलित होता है। बहुत बहुत गहरी बात है ना, कि आपके जो इंसान मॉरली कॉन्शियसली क्लियर नहीं होते, आप में कुछ गलत का होता है, आपके अंदर डर होता है ना कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो जब आप पर्सनली क्लियर हो जाते हो, मॉरली क्लियर हो जाते हैं, कॉन्शियसली क्लियर होते हैं, तो आपको कुछ भी चीज़ों का जरूरत नहीं पड़ता। पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राजेश जी दोबारा से पढ़िए, और बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन पूछिए डिस्पॉजिटर्स के बारे में। करता क्या है शादी में? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि शुक्र, आप बोल रहे हैं ना शुक्र शादी का कारक है, मेरा सवाल ये है मैम कि शादी का कारक क्या होता है, कारक कैसे काम करता है? बेसिक बहुत क्लियर नहीं है सर अभी शायद। क्योंकि देखो ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, तो आगे तक आप रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़े होके बहुत सारी गलतियां करोगे। तो कारक क्या होता है? कारक ना मसाले की तरह होता है, आपने कभी खाया ना, क्या बोलते हैं, कोई सब एक लाइक पनीर बटर मसाला और दाल मखनी, ठीक है, वेजिटेरियंस के लिए तो ये दो ही ऑप्शन रहते हैं ना किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, जी तीसरा बिल्कुल, ऑप्शन होता ही नहीं हमारे पास। तो ठीक है, तो पनीर सब्जी है, बटर मसाला उसका अतिशयोक्ति है, या फिर उसका क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं। दाल आपकी कोई भी हो सकती है, मखनी उसका, मक्खन उसका क्वालिटी है। सिमिलरली शादी आप कहीं से भी कर सकते हो, शुक्र उसका क्वालिटी है। तो क्वालिटी ऑफ मैरिज हैज टू बी डिफाइंड बाय द शुक्र।
तो कोई भी जो कारक है ना वो सिर्फ क्वालिटी डिफाइन करेगा। ऐसा नहीं है कि शुक्र अगर केतु के साथ है तो मैरिज नहीं होने देगा, होगा, बिल्कुल पर शुक्र तो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना। शुक्र इज कि जो सुबह चीज लो और शाम तक खराब हो जाए। शुक्र तो बसंत का मौसम है ना, अब देखो बसंत चालू हो गया है, हर चीज फ्रेश लगती है। तो केतु तो आठवें घर से है जो कि फर्मेंट होके बनता है, तो शुक्र और केतु दोनों अपोजिट। एक शुक्र जीवन देता है और केतु जीवन लेता है, दोनों का अपोजिट नेचर है। शुक्र और केतु जब मिल रहे हैं तो दोनों में से जो भी ताकतवर हो जाएगा अपने जिस जिस बल के अंदर, और केतु क्या है ना, केतु प्रॉक्सी है, शैडो प्लांट है ना, किसी के तो शैडो बनेगी, तो शुक्र की शैडो बना रहा है, शुक्र को शैडो आउट कर रहा है। क्या कर शैडो आउट कर रहा है, केतु उसको शैडो आउट कर रहा है। जिस तरीके से दही के अंदर या घी के अंदर अग्नि का वास रहता है, घी आपका दूध से तो बना है ना, रिफाइंड होके किसी तरीके से। दही जो बनती है वो उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, पर उसके अंदर बना तो वो दूध से ही है ना, तो उसको शैडो किया है ना, दूध को एक नए फॉर्म में लेकर आया जी है, ट्रांसफॉर्म करके लेके आया है। तो जब कभी भी शुक्र का क्वालिटी खराब हो जाएगा, किसी भी सिग्निफिकेटर का क्वालिटी खराब हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि उसकी वजह से शादी का क्वालिटी भी अफेक्ट होगा। कौन से एरियाज में होगा, लुक एट द शुक्र, ये किस वजह से हो रहा है और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर केतु ही केतु का डिस्पोजर शुक्र है और वो आश्रम में है, तो जैसे ये बोला गया था कि शुक्र को का व्रत ले सकते हैं या फिर उसकी रेमेडी कराएं, हाँ जी, कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। थैंक यू सर। नहीं तुमको क्यों लगता है 6-8-12 बेकार है, सर बेकार नहीं है, या मैंने एट देखा कि फैक्ट, एस्ट्रोलॉजी में, एट फैक्ट? हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी समझता हूँ कि आपने बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी हैं कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लिखा गया 6-8-12 के बारे में। मैंने तो ये 12 घर का स्टोन पहना है अभी थोड़े दिन पहले यार, तो ये तो 12 घर एक्टिवेट होना चाहिए था। बल्कि त्रिक भी है ना, त्रिषडाय है, कोई नहीं बोलता थर्ड हाउस का स्टोन पहनना चाहिए, 12th हाउस में तो पहना है, देखो तुम्हारे सामने है। बुक्स के हिसाब से तो मार्केश तो 2 साल से 2.5 साल से पहन के रखा है, बुक्स के हिसाब से तो मेरे को सारी बीमारियां लग जानी चाहिए थी, पर मेरे को लगता है कि जिन्होंने बुक लिखी है ना उन्होंने कॉपी पेस्ट करा है, पढ़ा नहीं ढंग से। ठीक बिल्कुल है, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ कि 6-8-12 से ज्यादा बुरा होता। थैंक यू सर। मनीषा, प्रणाम सर। सर प्रणाम जी। मेरे आया था कि बच्चों का बर्थडे न मनाए जोर से, अच्छे से, मतलब शो ऑफ ना करें, लेकिन चलो हमने बड़े रूप में नहीं हुआ, बर्थडे तो हर साल मनाएंगे, क्या करें, बर्थडे ही ना मनाए, मिठाई ना अच्छा, बांटे। आपने वो लेक्चर मिगाल से ढंग से सुना नहीं, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। आपको समझना चाहिए कि वो उसका रिक्वायरमेंट क्या है। अब कहना है शनि है गरीब आदमी, ठीक है, जी शनि है 5वें घर के अंदर, राजा के घर के अंदर बैठा हुआ है शनि, सूर्य का नेचुरल घर है वो पांचवें जी घर, कि आप कैसे दिखते हैं, आपका प्रभाव कितना है, आपकी कितनी जान पहचान है, यही तो है ना 5वां घर, इससे जी ज्यादा तो कुछ नहीं है। और राजा की फोटो हर जगह लगाई दिखाई दिखेगी, मतलब पहले जमाने में, आजकल तो सबकी फोटो, आपके पास फोन है, सबके पास कई मर्जी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, और पहले जमाने में सिर्फ राजा की फोटोग्राफ्स या राजा की मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है, क्योंकि राजा को ही इस चीज का एक तरीके से एडवांटेज था। अब क्या है, शनि है गरीब आदमी और राज दरबार में बैठा है, यूनियन लीडर है, ऐसा व्यक्ति लोगों के लिए आवाज उठाता है, गरीब आदमियों के लिए आवाज उठाता है। ऐसे व्यक्ति की हैबिट होती है शनि पांच की, कि दूसरों के लिए लड़ना है, ये शनि पांच की हैबिट्स है। अब ऐसे व्यक्ति को सपोज कीजिए अन्ना हजारे लुई वुइटन का सूट पहन ले, कैसा लगेगा आपको? या हम किसी ऐसे संत महात्मा को देखते हैं तो आप देखते होंगे कि अगर वो किसी बड़ी गाड़ी में बैठ जाए तो लोग क्वेश्चंस करते हैं, बैठे हैं ठीक है। तो एक श्लोक है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणेयम ना करणेयम,
मतलब कि यद्यपि वो आपके शरीर के लिए शुद्ध हो, यद्यपि वो गाड़ी की आपको जरूरत हो, यद्यपि वो आपको अच्छा भी लगता हो, शुद्ध करता हो शरीर को, जैसे कि महात्माओं का पान खाना। पान जो है बेसिकली तांबुल, पान के विषय में ये श्लोक बोला गया था कि तांबुल जो है वो त्रिदोषों का शमन करता है, वात पित्त और कफ का, और इसलिए वो भगवान श्री गणेश को चढ़ाते हैं या किसी भी देवी देवता को तांबुल चढ़ाया जाता है, उसके अंदर ही रख के सुपारी और जायफल और सब चढ़ाया जाता है। लेकिन क्योंकि आप एक महात्मा हैं, इसकी वजह से आपको ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। उसी तरीके से अगर आप शनि पांच हैं, तो शनि पांच एक वजह से मिला है ना, कि आपको लोगों ने बनाया है, इसलिए ज्यादा शो ऑफ मत कीजिए, मत दिखाइए कि आपके पास कितना है, आप कितने बड़े हैं, आप कितने अच्छे घर में रहते हैं। तो शनि जहां पर है, वहां पर एक बहुत सिंपल सा रूल है कि वहां पर आपको अपने आप को झुक के गरीब रखाना है, मेहनती दिखाना है, वहां पर आप आराम से चुपचाप शांति से काम कीजिए। आप जब जब जिस चीज का शोर मचाएंगे, या पता नहीं कौन था, किसका था जिसका डाउनफॉल हुआ है अभी, कोई तो था जिसने ना अभी कुछ बहुत बड़ा करा, उसके बाद से ना उसका नीचे गिर गया। सर, ये मैंने कई कुंडलियों पे देखा, शनि पांच है और शो ऑफ करो तो जाता है, हाँ मैम, एट्टी वो नाइन जाता सी आर है। का 89 CR का रेवेन्यू था एक पर्टिकुलर ब्रांड का, 8 CR पे आ गए। न्यूज है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस आजकल। तो आपको ना कई चीजें चुपचाप शांति से चल रही है ना जिंदगी, तुम लो ना मर्सिडीज, किसने मना करा है, पर दिखाओ मत यार ज्यादा। मजबूत में बैठेंगे तो वो दिखेगी, कैसे रोकेंगे उसको? क्योंकि जिसका कैपेसिटी बढ़ेगी वो छोटी गाड़ी में नहीं बैठेगा। अभी ये अगर प्रॉब्लम बस फिफ्थ हाउस में, ये प्रॉब्लम एक और होगी, ये मतलब ये प्रॉब्लम है या कर्ज है, क्या समझेंगे कि सूर्य के घर में शनि आके बैठ गया है और वक्री हो गया तो और खराब हो गया है। हाँ जी, तो इसलिए चुपचाप शांति से काम करना है, किसी को कुछ नहीं बताना है ना दिखाना है। आप हो सकता है कि दुनिया आपको, क्योंकि शनि पांच को ना दुनिया बेवकूफ समझती होगी, तो समझते ना उनको बोलो हाँ बेवकूफ है। है बिल्कुल आप सही समझे हैं, लेकिन आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि शनि है ना, वो शनि की तरह रहना है, आप समझिए इस बात को। वो सूर्य के घर में, अच्छा एक बात बताओ, एक बेटा अपने बाप के घर जाए और बताए कि मेरे पास कितना पैसा है, कैसा लगेगा? सर, एक और प्रॉब्लम यहाँ पर कनेक्ट हो गई कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर लगन में चला गया तो एरोगेंस ज्यादा होगी, सोच ज्यादा होगी, बच्चों फिर के साथ प्रॉब्लम आएगा। फिर ऐसा व्यक्ति कैसे अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा? अच्छा, तो इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि सैटरडे को फास्टिंग कीजिए, और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे कुछ बने जिंदगी में, तो बहुत शांत तरीके से जिंदगी बिताइए। तो ऐसी छोटी छोटी सी कई और प्रॉब्लम्स भी आती है, हम चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने अलग अलग ग्रहों की चीजें पढ़ी, अभी केतु पे आपने एक लेक्चर में बताया कि केतु अगर सिक्स हाउस में होगा तो वो बॉडी पार्ट कट होगा और लाइफ बेटर हो जाएगी, बट कितनी बार? वहां अगर मानदीय और गुलिका आ गए हैं तो वो बार बार होगा, रिपीट होता रहेगा प्रोसेस। छठे घर के केतु को शांत कीजिए, देखिए प्रॉब्लम क्या है। आप ना रेमेडी से ज्यादा पहले सोचिए कि वो कर क्यों रहा है। जब आपको ये समझ में आता है ना कि ये इसके पीछे का बैकग्राउंड रीजन है, छठे घर का केतु क्या चाहता है, एक मुक्ति का कारक जो आठवें घर का मालिक है, जिसका काम है आपको मारना, वो छठे घर में आके बैठा है। मुक्ति के कारक को आपने लड़ने के लिए लगाया है, तो लोगों को लगातार माफ करना सीखिए। केतु का काम है लोगों में गलतियां ढूंढना, या केतु का काम है हर किसी भी चीज को बारीक तरीके से देखना। तो छठे घर का केतु लड़ने के लिए छोटी से छोटी बात उठाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत डीप सूत्र है ये। छठे घर का केतु जहां पर भी बैठता है, बहुत ध्यान से चीजों की बारीकियों से निकाल के लेकर आता है, तो क्योंकि वो इंट्यूशन का कारक है। वो आठवें घर का नेचुरल मालिक है, वो छठे घर में बैठा है, वो आठ छठे घर में बैठा है, तो लोगों की गलतियों को किसी से भी लड़ने के लिए बहुत छोटी से छोटी बात पे ढूंढता, कहता है यार ये इस बंदे ने ठीक नहीं करा,
छठा घर आपके रिलेशंस भी तो है, छठे घर रिश्तेदारी भी तो है, तो इसलिए रिश्तेदारी खत्म हो जाती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति सेंसिटिव होता चला जाता है, क्योंकि केतु इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। ऐसा व्यक्ति हर एक उस वाइब्रेशन से इतना सेंसिटिव हो जाता है कि उसको लगता है कि पूरी दुनिया मुझसे मेरे ही खिलाफ है। अच्छा, इस केतु को कंट्रोल करने के लिए क्या कीजिए कि बुध की उंगली में, बुध की उंगली कौन सी है, सबसे छोटी वाली ना, बुध की उंगली में, क्योंकि वो बुध के घर में बैठा है, केतु को कंट्रोल करने के लिए। चलिए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, केतु को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ सोने की एक छल्ला पहन लीजिए, या आप छोटी उंगली में पुखराज पहन सकते हैं, पर ध्यान रखना केतु को झेलने के लिए ना, ऊपर से जब एनर्जी आती है ना, केतु यही तो है ना, ऊपर की एनर्जी है, मरने की एनर्जी है ना, ऊपर से बरसती है ना, उस एनर्जी को झेलने के लिए बृहस्पति चाहिए, फैट चाहिए बॉडी के अंदर, क्योंकि जब ऊपर की एनर्जी आ रही होती है ना तो आपकी बॉडी में कफ होना चाहिए, और कफ नहीं है ना तो इंसान पागल हो जाता है। तो जो मोटा व्यक्ति होगा वो इसको झेल लेगा, क्योंकि उसके पास तो फैट ज्यादा है, या कफ अगर उसको है, कफ अगर सांस की किसी की बॉडी बीमारी में है। है तो केतु को झेलने के लिए सोना चाहिए। तो अभी किसी का ना किसी का चार्ट में देख रहा था, तो बहुत ट्रबल टाइम पीरियड है उनकी लाइफ में, मार्स केतु 2, शनि 12, लगन हेम्ड है और दोनों तरफ की दशा चल रही है, तो सुसाइडल टेंडेंसीज चल रही हैं, क्योंकि लगन खराब हो गया है, लगन हेम्ड हो गया है। मैं बोला कम से कम 100 ग्राम सोना शरीर पे डालिए। अगर आपके चार्ट में केतु लगन में है, लगन के मालिक के साथ है, या ऐसी किसी जगह पे बैठा हुआ है जहां पे आपको लगता हो कि केतु आपको तंग कर रहा है, चंद्रमा केतु है, सूर्य केतु है, सूर्य केतु आपकी प्रतिष्ठा में नुकसान पहुंचाता है कई बार, ऐसे केसेस के अंदर अपने आप के ऊपर, अपने बॉडी पार्ट के ऊपर, और स्पेशली उस बॉडी पार्ट के ऊपर सोना पहनिए, क्योंकि केतु को झेलने के लिए, केतु की एनर्जी को झेलने के लिए सिर्फ बृहस्पति चाहिए। क्योंकि केतु तो क्या है ना, केतु तो आपको रिबॉर्न करवाते हैं ना, केतु आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, आपको मार रहे हैं, तो वापस पैदा तो बृहस्पति करता है ना, और तो कोई नहीं कर सकता ना पैदा, जीव के बिना कोई पैदा कर सकता है क्या? पर अगर इस कुंडली सुनो में ध्यान से, केतु के घर के बाद ही बृहस्पति का घर आता है, आठवें के घर के बाद ही, मरने के बाद ही तो जीव आता है ना, तो इसलिए बोलते हैं कि केतु की जब दशा चलती हो तो आप ना शरीर पे बहुत सारा सोना पहन के रखिए, आप झेल पाएंगे, आप फैट बढ़ा लीजिए। मतलब एक व्यक्ति आए, बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, मतलब वो क्रिप्टो के अंदर कुछ करते हैं, चेन ब्लॉकिंग, ब्लॉक चेन कुछ करते हैं, केतु की महादशा है और डिस्टर्ब कर रखा है केतु ने इतने इंटेलिजेंट आदमी को भी। तो मैं बोला सिर्फ एक काम करना है, डेली ना 2 केले खाने हैं। अब देखो कितना सिंपल सा रेमेडी ना, उन्होंने बोला कि अच्छा और कुछ रेमेडी, और मैं रेमेडी चलते चलते दे रहा था क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, तो बोले नहीं ढंग से देख के बता दो। मैंने कहा यार हो सकता है कि मेरी ना बात तुमको अटपटी लगती हो, कई बार तुमको ये लगता हो कि देखा नहीं था मैंने ढंग से, या ऐसा सर नहीं खुजाया, या मेरे को कोई महंगा स्टोन नहीं बताया। देखो मेरे को तो नहीं बेचना तुमको स्टोन, मैं तुमको तुम्हारे फिजिकल लेवल पे ठीक कर रहा हूं। पहले मेरे तो 6 महीने खा तो सही 2 केले डेली, आप वो एनर्जी झेल जाओगे। पुखराज पहन लो, तुमको लग रहा है तुम्हें पैसे खर्च करके शांति आनी है, पुखराज पहन लो चलो, पर देखो चने की दाल डेली सुबह शाम खाओ और कफ झेल जाओगे, कफ बढ़ा लोगे बॉडी में, कि तू झेल जाओगे तो कि वो हमेशा बोलेगा कि मेरा पति ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, क्लाइंट का हैबिट है, क्योंकि ह्यूमन हैबिट है ना कि हम गलतियां दूसरों में देखते हैं और हम अपने अंदर नहीं देखते हैं, हमें सुनना ही नहीं उसकी बात। जब कोई क्लाइंट आता है ना सुबह सुबह, अभी आज सुबह किसके चाहता, मेरा जॉब चला गया, बेचारे उस बंदे ने लिखा था मेरा जॉब चला गया, एक लाइन का मेल, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे ईमेल्स, एक लाइन के ईमेल्स वाले जो कहानी लिख के भेजते ना, अरे मैं पढ़ता ही नहीं, तुम लिखते रहो अपनी पूरी कहानी, मेरे को तो चार्ट से मतलब है, पता तुम सब झूठ बोलते हो। उस समय सर मेरा जॉब चला गया, प्लीज बता दो, बच्चे हैं छोटे, ठीक है, चार्ट बनाया, सूर्य 5 है दशांश में, शनि 12 है, सूर्य में शनि की दशा है, नहीं शनि 5 है सूर्य 12 है, शनि में सूर्य की दशा है, और शनि मंगल की राशि में बैठा है, मंगल 5, मंगल 9 है, 5वें सूर्य के साइन में, अब 12वें घर की दशांश की दशा में जॉब जाती है, क्लियर कट है ना, झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। 17 फरवरी को सूर्य की महादशा अंतरदशा चालू हुई है, आज 25 फरवरी है, 10 दिन के अंदर करेक्ट जॉब गया, इट्स अ क्लियर कट रूल।
अब वो बंदा काला है, गोरा है, मोटा है, कुछ नहीं देखना ना उसको, तेरे ये देख पे तेरा जॉब आ जाएगा, चल ऐश कर ले। देख ले विजय सर शेखर अभी सिन्हा, वो पता है क्या नाम है उसका, शनि पाँच है, वो जब जब सेलिब्रेट करता है ना, वो जब जब दिखाता है कि मैं अकड़ के दिखाता है कि हम ये हैं हम वो हैं, विद इन नेक्स्ट 2.5 मंथ्स, सिर्फ 100 दिन, 100 दिन क्यों, क्योंकि शनि का नवांश बदल रहा होता है, शनि अपना नवांश बदलता है और बोलता है अच्छा अब आ जा, अब देखते हैं तेरे तो सर तो। ये क्या मतलब कोई कर्ज है, कोई मतलब बुरा है कि क्यों ऐसा हुआ कि सूर्य के घर में शनि बैठा, और ये कुछ व्यक्ति होते होंगे जिनको स्पेशल मिलता होगा, तो इसको मतलब मैं इसकी जड़ नहीं फाइंड कर पा रही कि उसने ऐसा क्या कर्म किया होगा पिछले जन्म में कि उसको ये दुख मिला, ये सबसे बड़ा दुख है। पिछले जन्म को छोड़ो, आप इस जन्म की कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लीजिए, इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना शनि पांच की, इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप ना पूरी रीडिंग सिर्फ शनि पांच पे कर सकते हो। परेशानी क्या है, मिलते हैं सुनो मुझे सेम सुनो यही मिलते हैं। सुनो, आपको ना किसी भी ग्रह के बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए, सोचिए डीपर, सोचिए क्यों मिला, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में कैसा है, क्यों एजुकेशन में आके लड़ता है, क्यों बच्चों के साथ परेशानी है, क्यों स्टमक खराब है, और किसी टाइम को होने में इतना टाइम क्यों लगता है, किसी भी काम को होने में, ये शनि पांच है तो कर्ज नहीं है, कर्ज बहुत क्या कहते हैं उसको, शनि पांच जीरो से उठता है और बहुत आगे तक जाता है, तो कर्ज अगर होता, कर्ज तब होता जब इसको राहु देख लेता, शनि राहु बैठ जाते हैं, और मांडी गुली का आ मंगल जाते देखे, हैं, मंगल देखे तो मंगल कंडीशन बेस्ड है, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को ऑन द टोज रखता है, क्योंकि शनि मंगल एक दूसरे को एग्जॉल्ट कर रहे हैं, डेब्रेटेड कर रहे होते हैं, इसलिए शनि का मंगल के घर में बैठना हमेशा ऐसे व्यक्ति को, या मंगल का देखना चैलेंजेस, चैलेंजिंग टास्क के लिए, लाइक एक कॉम्बिनेशन है, मैं बताता हूँ किस किस व्यक्ति का है, शनि मंगल पांच, शनि नीच, द मैन हु फ्रोज फायर, संजय कुमार, पढ़िए जाके इस बंदे के बारे में, इनकी बुक लिखी है श्री श्री रविशंकर ने, इस बंदे ने भारत पे होने वाले कम से कम 60 अटैक्स रोके हैं, ये बंदा नहीं है, मतलब इस बंदे से ये ऑफिस में आए थे, इनसे मैं मिला, वन ऑफ द मोस्ट, इसको बोलते ना ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क जिस बंदे ने करा है, शनि मंगल पांच, तो आप कैसे कह सकते हैं कर से एक ब्रिलियंट लोगों का, विंस्टन चर्चिल शनि पांच, बहुत फ्रीक्वेंटली जब ही होता है, जब चार्ट देखा तो पता चला कि शायद क्योंकि पाइसिस 8th हाउस में चला गया, इसी वजह से होगा। जी क्योंकि 8th हाउस के अंदर तीन मेजर लग्न लॉर्ड भी बैठे हैं ना, तो द कॉन्शियसनेस 8th हाउस के थ्रू उसको डिलीवर कर रही है। तो सर ये क्योंकि डर लगता है उसको भी, तो उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो सूर्य अगर 8वें घर में है तो आपको तांबे का कड़ा पहनाना चाहिए, ओके सर, ठीक है, क्यों पहनाना थैंक यू चाहिए, सर। लॉजिक है सर क्योंकि सूर्य का कारक, नहीं सन। तांबा कारक है सूर्य का, अच्छा जी, हाँ कढ़ाई क्यों और पहनाना है, सूर्य जी सर सॉरी कढ़ाई क्यों पहनाना है, कड़ा क्यों पहनाना है श्वेता, सर मर्क्यूरी की वजह से। अच्छा हम सूर्य को 3rd हाउस में लेके गए हैं, हाँ वो 8 से 8 थे, वो रिबॉर्न होने का हाउस है, जी तो मैं तो कोई जी और रेमेडी भी करवा सकता हूँ ना यहाँ पे, अब जब मेरे को लॉजिक समझ में आ गया जी नहीं सही बात है, तो, मैं है ना, एक्चुअली 3rd हाउस मर्क्यूरी से रिलेटेड है, लॉजिक इसलिए मैंने मर्क्यूरी बोला, सॉरी लॉजिक हर रेमेडी में लॉजिक होना चाहिए, ठीक जी सर। है, तभी अगर लॉजिक समझ में आता है ना, देन वी कैन अंडरस्टैंड मोर कि और क्या करना है।